इंडक्शन में खाना बनाना सस्ता है या फिर अपने गैस चूल्हे में सिलेंडर का यूज करके खाना बनाना सस्ता? तो भाई आज के इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करूंगा, आपको मालूम चलेगा कि किस सिस्टम में खाना बनाना सबसे सस्ता पड़ेगा। और आपको मैं एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा जिसका यूज करके आप लोग अपने लिए भी निकाल सकते हैं कि आपके लिए सबसे सस्ता खाना किस में बनेगा, इंडक्शन में या फिर गैस चूल्हे में। और हाँ, एक स्पेशल अनाउंसमेंट, अगर इस वीडियो में आते हैं 1 मिलियन व्यूज 2 महीने के अंदर तो आप में से एक लकी विनर पा जाएगा ये फिलिप्स का इंडक्शन कुकटॉप। इसके बस आपको क्या करना है, एक मस्त सा कमेंट करना है इस वीडियो में और वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस टेस्ट को करने के लिए मैं इस वाले बर्तन में 5 लीटर पानी लूंगा और अपने इस गैस चूल्हे में उबालूंगा। और यहाँ पे मैं इस बड़ी वाली गैस का यूज नहीं करने वाला हूँ क्योंकि 5 लीटर पानी उबालने में कितनी गैस खर्चा होगी इसमें डिफरेंस निकालना काफी मुश्किल होगा क्योंकि काफी बड़ा सिलेंडर है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ एक छोटा सा एलपीजी गैस सिलेंडर। छोटे सिलेंडर को यूज करने का फायदा ये कि मैं इसे आसानी से तोल सकता हूँ कि पानी उबालने से पहले इसमें कितनी ग्राम गैस थी और पानी उबालने के बाद इसमें कितनी ग्राम गैस बची है। तो इस छोटे सिलेंडर का वजन है इनिशियल में 304 ग्राम, इसे याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने हल्का सा जुगाड़ लगा के कुछ इस तरीके छोटे गैस सिलेंडर को अपने इस बड़ी गैस से जोड़ दिया है। तो इस बर्तन में डाला हूं मैं 3 लीटर पानी। 3 लीटर पानी इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा पानी होगा उतना एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। तो भाई इस जुगाड़ के लिए जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, एक लाइक तो बनता, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि अधिक से अधिक जनता जान पाए कि किसमें खाना बनाने में ज्यादा फायदा होता है। तो फाइनली यहाँ पे हो गया पूरे के पूरे 3 लीटर पानी अपने इस बर्तन में। तो यहाँ पे मैं इस गैस बर्नर को जलाने जाऊँ, पहली बार मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि हमारा जुगाड़ काम करेगा या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फुल पे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आजा, जल गई। यहाँ पे हमारी गैस सक्सेसफुली जल गई अपने जुगाड़ का यूज करके। फटाक से इसे रख देते हैं यहाँ पे। अब बस वेट करते हैं पानी के उबलने का। तो यहाँ पे मैं इस टेस्टिंग को मीडियम आंच पे कर रहा हूँ और टाइम भी लगा देता हूँ कि कितना टाइम लगा है 3 लीटर पानी को उबालने में। और ये रही वॉच यहाँ पे। तो फाइनली यहाँ पे पानी बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। आप लोग देख लीजिए 28 मिनट लगे हैं 3 लीटर पानी बॉईल होने में और तापमान 97-98 पहुंच गया है। तो फटाफट से गैस बंद करते हैं, काम हो चुका है। अरे बंद करना है। और यहाँ से भी इसे बंद कर देते हैं स्टॉप। हमें करीब 28 मिनट का समय लगा है 3 लीटर पानी बॉईल करने में। अब देखते हैं कितनी गैस यूज हुई है। यार ये छोटा सिलेंडर बहुत ठंडा हो गया, ये देखो क्योंकि इसके अंदर से गैस काफी तेजी से निकल रही थी, इस वजह से ये ठंडा पड़ गया है। फाइनली पता चलने वाला है कि 1 लीटर पानी को बॉइल करने में कितने रुपए की गैस लगी है। तो इसका जो पहले वजन था वो था 304 ग्राम, क्योंकि बाद में घट के हो गया 259 ग्राम। यानी कि 3 लीटर पानी को बॉइल करने में करीब 45 ग्राम वजन लगी है। तो यहाँ पे भी बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, 1 लीटर पानी को बॉइल करने में कितने ग्राम गैस लगी है, सिंपली डिवाइड कर देंगे 45 को 3 से, आ जाएगा 15। यानी कि 1 लीटर पानी को बॉइल करने में हमें लग रहा है करीब 15 ग्राम गैस। और इस सिलेंडर का वजन है 14 किलो, क्योंकि यहाँ पे मिला है 1100 रुपए का। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे वहां 14 किलो का सिलेंडर मिल रहा है 1000 रुपए का, यानी कि 1 रुपए में हमें मिलती है 14 ग्राम गैस। तो समझ में आ गया ना, 1 रुपए में 14 ग्राम गैस और यहाँ पे 1 लीटर पानी को उबालने में लगी 15 ग्राम गैस। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 लीटर पानी को उबालने में जो खर्चा आया है वो है 1 रुपए, क्योंकि 14 ग्राम गैस की कीमत है 1 रुपए। यहाँ पे आप लोग अपने रेफरेंस के लिए याद रख सकते हैं कि अगर आपको 1 लीटर पानी को बॉईल करना है तो आपको लगेगी 15 ग्राम गैस, ठीक है। और 15 ग्राम गैस कितने की होगी वो आप लोग अपने वहां के रेट के हिसाब से निकाल लेना। तो अब हम लोग अपने इंडक्शन में पानी उबालते हैं 3 लीटर। तब तक आप लोग कमेंट में ये बताओ कि आपके वहां गैस सिलेंडर का रेट कितना है। भाई मेरे वहां तो 1100 रुपए का एक सिलेंडर आता है। और एक यूनिट बिजली कितने की मिलती है आपके वहां, ठीक है। ये 2 लीटर हो गया और ये 3 लीटर पानी हो गया, तो कितनी यूनिट बिजली खत्म हुई है। इसके लिए हम लोग इस मीटर का यूज करेंगे। इसकी भी लिंक मैं आपको पिंक कमेंट में दे दूंगा, आप लोग वहां पे जाके इसे खरीद सकते हैं। अमेजोन से लिया है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो इसमें मैं कनेक्ट करता हूँ अपना ये इंडक्शन कुकटॉप
और इसे लगाता हूँ मैं अपनी इस मेन बिजली के सॉकेट में और ये हो गया है ऑन। यहाँ पे आपको कितनी यूनिट बिजली खपत हुई है सब कुछ मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे करता हूँ ऑन और सेट कर दिया 1000 वॉट पे मीडियम पे, और ये भी करता हूँ स्टार्ट। और देखते मीटर में क्या रीडिंग आ रही है, मीटर में भी आप लोग देख लो 955 वॉट 960 यानी करीब 1000 वॉट के आसपास जल रहा है। और यहाँ पे हमें यूनिट दिखाई पड़ेगी कितनी यूनिट बिजली खत्म हुई है। तो फाइनली आप लोग देख सकते पानी पूरी तरीके से बॉयल होने लगा है, तापमान हाई या फिर वो देख लो 98 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसे हम लोग यहाँ पे कर देते हैं बंद, और यहाँ पे जो समय लगा है वो भी करीब 27 से 28 मिनट ही लगा है। यहाँ पे मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। अब मेन चीज देखना बचा कितने यूनिट बिजली खत्म हुई है उस मीटर में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे खत्म हुआ है बिल्कुल वैसा एकदम सेम 0.45 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर बोल सकते हैं करीब आधा यूनिट बिजली। भाई 0.45 यहाँ पे भी 0.45 वहां पे भी एकदम सेम आ रहा है। अब इसका कैलकुलेशन निकालते हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा समानता है, 27 मिनट इसमें लगे हैं, मैं थोड़ी देर में फास्ट कर दिया था, अगर मैं फास्ट ना करता तो भाई 28 से 29 मिनट इसमें भी लगते। तो यहाँ पे 3 लीटर पानी को बॉइल करने में लगी है 0.45 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि 1 लीटर पानी को बॉइल करने में लगी करीब 0.15 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। और अगर आपके वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का रेट है 10 रुपए की 1 यूनिट, तो आपको 1 लीटर पानी को बॉइलने में खर्चा आएगा करीब 1.5 रुपए के आसपास। और अगर आपके वहाँ इलेक्ट्रिसिटी के रेट है जैसे कि यहाँ पे 5 रुपए यूनिट, तो आपको पड़ेगा 0.75 रुपए, यानी कि 75 पैसा 1 लीटर पानी को उबालने की कॉस्ट। तो कुल मिला के अगर इलेक्ट्रिसिटी का रेट 5 रुपए से कम है तो कहीं ना कहीं आपको इंडक्शन में कुकिंग करने में फ़ायदा होगा, काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको मालूम चल गया कि किस में खाने बनाने में ज़्यादा फायदा है। बस आप लोग एक चीज़ याद रख लो, इंडक्शन में 1 लीटर पानी उबालने में आपको लगी करीब 0.15 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, बाकी कैलकुलेशन आप लोग कर लेना अपने वहाँ के रेट के हिसाब से। और गैस से 1 लीटर पानी उबालने में लगेगी करीब 15 ग्राम गैस, आप लोग गैस का भी कैलकुलेशन कर लेना अपने वहाँ के रेट के हिसाब से। मेरे वहाँ तो इंडक्शन में खाना बनाना सस्ता पड़ रहा है। तो भाई अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक जरूर से करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, टाटा बाय बाय। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और बेल आइकन भी दबा देना। वीडियो एडिट हो चुका है लेकिन हो सकता है अभी भी कई लोग के पल्ले ना पड़ा हो, तो उनके लिए और आसान शब्दों में, अगर आपके घर में एक गैस सिलेंडर 1 महीना चलता है तो आपके वहाँ कुकिंग का खर्चा हो गया जितना सिलेंडर का प्राइस है 1000 से 1100 रुपए। लेकिन अगर उतनी ही कुकिंग आप लोग इंडक्शन से करेंगे और बिजली का प्राइस है 5 रुपए पर यूनिट, तो आपके वहाँ कुकिंग का जो खर्चा आएगा वो 750 से 800 रुपए आएगा। और अगर 10 रुपए पर यूनिट कॉस्ट है तो भाई सिंपल है, 1250 से 1300 रुपए बिजली बिल आएगा कुकिंग का। अब तो समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आया भाई पढ़ाई करो जाके लिख। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और मैंने जो भी रिजल्ट्स बताए हैं वो मेरी टेस्टिंग के हिसाब से, इस बात को ध्यान में रखना। आपने भी टेस्ट किया तो कमेंट में अपने रिजल्ट जरूर से बताना।